सकते हैं, इससे कोई सवाल हो तो कर सकते हैं। जी ब्रदर, अपना नाम बताएं। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब, मेरा नाम नीलेश रामभोरी, मैं औरंगाबाद से आया हूं। मेरा सवाल यह है सर आपसे, आप जब किसी हिंदू गीता या वेद का हवाला देकर अगर आप कुछ बोलते हैं या कुरान से वो मिलता है तो क्या उसके ऊपर हम अमल कर सकते हैं? भाई सर का सवाल है कि जब मैं गीता का हवाला देता हूँ, वेद का हवाला देता हूँ, दूसरे मजहबी किताब का हवाला देता हूँ, जब वो कुरान से मिलती है तो क्या हम उसके ऊपर अमल कर सकते हैं? कुरान की बात या वेद की बात करें, गीता की? गीता है तो अगर जो चीज वेद और गीता में लिखी है और जो कुरान से मिलती है, क्या हम उन पर अमल कर सकते हैं? मेरा कहना यह है कि कुरान को कहा गया फुरकान, फुरकान मतलब वो चीज जो सच और झूठ के बीच में जो डिफरेंस है उसको पहचानती है। फुरकान फर्क, हक और बातिल के दरमियान जो फर्क है उसको पहचानती है कुरान। जितनी जिस तरीके से मैंने कहा कि कई पैगंबर आ चुके हैं मुसल्लम सन के पहले, उसी तरीके से कुरान में लिखा है सूरह रौद में सूरह नंबर 13 आयत नंबर 38 कि हमने हर दौर में एक किताब नाज़िल की। नाम से सिर्फ चार किताबों का जिक्र है, तौरा, ज़बूर, इंजील और फुरकान, कुरान। लेकिन इस आयत के मुताबिक कई किताबें नाज़िल की गई है, उनका नाम से जिक्र नहीं कुरान मजीद में। इसीलिए लेकिन जितने भी किताबें पहले आए कुरान मजीद के पहले आए वो सिर्फ एक उम्मत के लिए थी, एक ग्रोह के लिए थी, और वो सारा पैगाम महदूद था एक वक्त के लिए। इसीलिए अल्लाह सुभान व तआला ने, खुदा ने ये सारी किताब को महफूज रखने के लिए सही नहीं समझा, क्योंकि महदूद थी उस वक्त के लिए। इसीलिए खुदा ने ये जितनी किताब पहले नाजिल हुई वो महफूज नहीं है, ना उसकी जरूरत है। लेकिन क्योंकि कुरान मजीद आखिरी कलाम है अल्लाह सुबहाना व तआला का, इसीलिए अल्लाह सुबहाना व तआला खुद कहते हैं सूरह हिजर में सूरह नंबर 15 आयत नंबर 9 में कि हमने इस कुरान मजीद को नाजिल किया है और हम इसकी हिफाजत करेंगे। तो जितने पहले किताबें आए उनके अंदर मिलावट हो चुका है, जिस तरीके से अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 79 में, फवैलुन लिल्लज़ीन यक्तुबून अल-किताब बिअयदीहिम सुम्मा यकूलून हाज़ा मिन इंदिल्लाह लियश्तरू बिही समनन कलीला फवैलुन लहुम मिम्मा कतबत अयदीहिम फवैलुन लहुम मिम्मा यक्सिबून। लानत है उन लोगों पे जो लोग किताब अपने हाथ से लिखते हैं और कहते हैं खुदा की तरफ से है, लानत उन लोगों पे जो कमाते हैं, लानत उन लोगों पे जो लिखते हैं। तो इससे ये जाहिर होता है कि जितने पहले किताबें आए उनमें मिलावट हो चुकी है। ये कुरान आखिरी कलाम है और कोई भी चाहे तो इसको तब्दील कर ही नहीं सकता, खुदा खुद अल्लाह सुब्हान व तआला खुद इसकी हिफाजत करेंगे। इसीलिए आज जब मैं मुताला करता हूं कुरान और दिगर मजाहब का, दिगर मजहबी किताब का, अगर ये मैच होता है, अगर यकता है, जो चीज कुरान और भगवत गीता में यकता है, मुझे कोई भी गिला शिकवा नहीं है मानने के लिए कि ये पोर्शन, ये श्लोक खुदा की तरफ से है। लेकिन अगर कुरान से नहीं मिलता जुलता है तो मैं कहूंगा कि हो सकता है, हो सकता नहीं, लेकिन कुरान के खिलाफ है तो मैं कह सकता हूं कि ये खुदा का कलाम है ही नहीं। इसीलिए जो जो कलाम कुरान से मिलता है, चाहे वो श्लोक हो या मंत्रा हो, वेद का हो, उपनिषद का हो, या गीता का हो, या चाहे धम्मापद का हो, अवस्था का हो, दशातीर का हो, चाहे ओल्ड टेस्टमेंट का हो, न्यू टेस्टमेंट का हो, जो भी चीज कुरान से मिलती है, हम मुसलमानों को कोई गिला शिकवा नहीं मानने के लिए कि ये भाग खुदा की तरफ से है। इसीलिए मैं यकसानियत के बारे में जिक्र करता हूं। तो आपके लिए भी मैं कहता हूं कि जो इख्तिलाफ की बात है उसे छोड़ दो, तो यकसानियत की बातें हैं जो आपकी किताब में लिखा है, वेदा में लिखा है, पुराना में लिखा है,
कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, तो आपके लिए फर्ज है कि आप भी इस आखिरी पैगंबर में माने। तो आप आखिरी पैगंबर में मानते हैं? आप आपकी वेद में मानते हैं? वो मानते हैं। आप पुराणों में मानते हैं? वो मानते। तो मेरी तकरीर में मैंने इतने बार कहा और इतने हवाले दिया कि आपके मजहबी किताबों में लिखा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंतिम ऋषि है। आप कल्कि पुराना पढ़ेंगे तो उनके वालिद का नाम लिखा है विष्णु व्यास अब्दुल्ला, उनके वाजा का नाम लिखे है सुमति आमिना। वो कहां पैदा होंगे? संभाला में, मक्का में। वो चीफ ऑफ संभाला में, कुरैश के खानदान में। सारी चीजें मैंने कहा। तो अब आप मानते हैं कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है? बिल्कुल बेशक मानता। माशाल्लाह। तो आप मानते हैं कि खुदा एक है? आप मानते हैं खुदा की कोई भी प्रतिमा नहीं है? बेशक। और सिर्फ खुदा की इबादत करना चाहिए? तो आप ये मानते हैं कि खुदा एक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? तो जो शख्स इस बात को मानता है कि खुदा एक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी पैगंबर है, तो उसे हम कहते हैं अरबी में मुस्लिम। यानी वो शख्स जो अमल हासिल करता है अल्लाह के अहकाम के मुताबिक। तो आप मानते हैं फर्स्ट कलमा? तो आप चाहते हैं कि इस्लाम कबूल करें? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल। नारे तकबीर, नारे तकबीर। आपसे जबान से कह दिए कि अल्लाह ही है, उसके अलावा कोई मामूद नहीं इबादत के लायक, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर है मुसलमान है। जिस तरीके से आपने सवाल किया मुझे शक हो रहा था कि माशाल्लाह आप मोमिन है। हमें दुआ करता अल्लाह सुभान अल्लाह से कि आप तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह इस दुनिया और आखिरत में सफलता दी। मैं आया यूरी के तातार के अफसाने से, खास मिल गए काबे से। ऐलान में थोड़ी सी एक तब्दीली है माइक के सिलसिले में। माइक नंबर एक हमारा इंशाल्लाह यही होगा। माइक नंबर दो